जयशंकर ने सभी को हालात की जानकारी जो है वो यहां पर दी थी। एक बार हम भी आपको बता देते कि आप कुछ हालात की जानकारी जो है अब तक सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद भवन में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। विपक्षी दलों के बड़े नेता भी सर्वदलीय बैठक में भाग ले चुके हैं। विदेश मंत्री नेताओं को बांग्लादेश के हालात पर ब्रीफिंग देते हुए नजर आए। डीएमके से टीआर बालू, बीजेडी से आपको बता दें कि सस्मित पात्रा, जेडीयू से लल्लन सिंह, इसके अलावा टीडीपी से राम मोहन नायडू सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे। आपको यह भी बता दें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पर मौजूद है। उन्होंने सवाल भी उठाया वहां पर कि क्या बांग्लादेश में हो रही इन तमाम चीजों के पीछे विदेशी हाथ है क्या, इस तरीके के सवाल भी राहुल ने किए। इसके अलावा बांग्लादेश की स्थिति को लेकर साफ तौर पर एस जयशंकर ने कहा कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो भी परिस्थितियां उसके बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है, जो भी स्थिति होगी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय इस वक्त मौजूद हैं, स्थिति चिंताजनक नहीं है, ये उन्होंने कहा। और कहा कि अगर कुछ भी बड़ा होता है तो उनको एयरलिफ्ट कराने के लिए हम देरी नहीं करेंगे, पर अभी एयरलिफ्ट कराने की नौबत नहीं आई है। शेख हसीना भारत में रहेंगी या नहीं, किसी दूसरे देश में रहेंगी, राजनीतिक शरण लेंगी, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सरकार ने हसीना के संक्षिप्त चर्चा की है और उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी कुछ चीजें तय की है, लेकिन अब तक मीडिया के पास ये जानकारी नहीं आई है। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा गया कि अब तक इन तमाम चीजों पर कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। यहां पर राहुल गांधी ने भी कहा कि जो भी बांग्लादेश की स्थिति में फैसला दिया जाए वो सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि इन परिस्थितियों के बीच में तमाम और पड़ोसियों से खतरा जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए यहां पर सोच समझ कर यहां पर शेख हसीना के एग्जिट प्लान को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें पहले उनके लंदन जाने की बात हो रही थी, लगातार वो जाएंगी, वहां पर ब्रिटेन जो है उनको रखेगा, इस तरह की तमाम चीजें जो है ये अभी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनके एग्जिट प्लान को लेकर अभी भी असमंजस जो है वो बना हुआ है। वो किस तरीके से भारत से बाहर जाएंगी ये कहा जा रहा है। जो विमान उनको लेकर आया था वो पहले ब्रिटेन गया था, उसके बाद वो वापस भी आ गया है, लेकिन क्या, क्योंकि कल ये चर्चा हो रही थी कि रिफ्यूलिंग के बाद, यानी भारत में जिस विमान से वो आई थी रिफ्यूलिंग होगी और उसके बाद वो लंदन निकल जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए कहा जा रहा है कि किसी और देश में वो जाएं इससे पहले उस देश के तमाम बड़े प्रतिनिधित्व उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए वैश्विक राजनीति जो है बेहद ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही, इस वजह से लगातार ये चर्चा जो है वो हो रही है कि किस तरीके से शेख हसीना का एग्जिट प्लान जो है वो तैयार करेगा भारत, ये बड़ी खबर है। और सबसे पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से भारत ने यहां पर जो है शेख हसीना को फिलहाल के लिए शरण दी है, लेकिन कब तक वो रहने वाली है, इन तमाम चीजों पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फिलहाल ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। इसके अलावा